आज हम केरी ट्रफल्स बनाएंगे जिसमें गाजर के हलवे के टेस्ट के साथ ड्राई फ्रूट्स का ब्लास्ट होगा। हम इसे कोई भी ओकेजन्स पर, फेस्टिवल्स पर या फिर डेजर्ट्स के तौर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केरी ट्रफल्स बनाना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाएं और ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। गाजर हमने धोकर लिए हैं, इसे छिलकर कद्दूकस करेंगे। एक पैन में एक चम्मच घी मेल्ट करेंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ काजू और बादाम लिए हैं, आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब उसी पैन में 2 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर भून लेते हैं। इस पूरी रेसिपी को हम धीमी से मीडियम आंच पर ही करेंगे। गाजर का हल्का सा कलर चेंज हुआ है, अब हम इसमें 1/4 कप फ्रेश नारियल डालेंगे और इसे भी गाजर के साथ भून लेते हैं। अब इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी मेल्ट होनी शुरू हुई है। मिश्रण ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें 1/4 कप दूध मिलाएंगे। अच्छी टेस्ट और बाइंडिंग के लिए 1/2 कप मिल्क पाउडर मिलाते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि लम्स ना बने। फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। मिश्रण ड्राई हो चुका है तो अब गैस ऑफ करके इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेके अब हम गोले बनाएंगे और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग करेंगे। और डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे ट्रफल्स बना लेते हैं और फिर सर्व करेंगे। अगर आप इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर सर्व करेंगे तो ये और टेस्टी बनता है। बहुत ही डिलीशियस ट्रफल्स बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए
उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।